हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम ये जो क्लॉथ हैंगर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनको फिटिंग करना है। तो चार क्लॉथ हैंगर लेके आया हूँ, इनको कैसे फिटिंग करना है। दीवार पे अलग सिस्टम है और गेट पर लगाने का अलग सिस्टम है, वो सारी बात हम करेंगे। पहले कीमत की बात कर लें, ये मुझे मार्केट से 18 रुपीज पर हैंगर का मिला है, 1 2 3 4 5 6, तो 18 × 6, तो कहने का मतलब 108 रुपये का ये हैंगर है, कंप्लीट पूरा सेट एक मिला है। तो चार हैं ये, मुझे फिर 400 रुपये में मार्केट से मिले। इसमें कई अलग अलग डिजाइन आते हैं, सिंगल वाले ये, जैसे कि इस पे डबल क्लॉथ हम हैंग कर सकते हैं, ऊपर भी बना हुआ है और नीचे भी बना हुआ है, तो दो कपड़े एक साथ इसमें लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि ये देखिए गोलाई है। और बहुत प्रकार के डिजाइन आते हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और इन पे क्या है, ये एलुमिनियम के बने हुए हैं और इनके पीछे ऊपर ये पॉलिश की हुई है। हालांकि जो शॉपकीपर है कहा कि पॉलिश नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल न्यू होने के बाद भी यहाँ से ये देखिए थोड़ी पॉलिश है, वो निकल चुकी है। और शॉपकीपर ने कहा था कि अगर पॉलिश उतरती है तो आपको पीस चेंज करके देंगे, तो ये चेंज करवाने का प्रयास करूँगा। तो एलुमिनियम के हैं ये, और ऊपर ये स्टील पॉलिश की हुई है। और यहाँ देखिए प्रत्येक के पीछे दो दो ये स्क्रू है, यहाँ ये देख लेना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल। दीवार में फिटिंग करने के लिए इस प्रकार की ये जो गिट्टी है वो भी चाहिए, और ये इस प्रकार के स्क्रू भी चाहिए। स्क्रू इस हॉल में आ जाने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दीवार में या गेट में फिटिंग करने के लिए आपको ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन अभी है नहीं मेरे पास, ये हैमर मशीन है, तो इसके द्वारा ही दीवार में होल करेंगे। तो यहाँ दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि दीवार आप चुनाव करें कि आपको कौन सी दीवार पे इसे लगाना है और कितनी हाइट पे लगाना है, ये विशेष मेन ध्यान दें। तो अभी ये दीवार लंबी दीवार है, यहाँ हम नहीं लगाएंगे, ये एक मेन गेट बना है, तो जैसे ही यहाँ से अंदर आते हैं तो पीछे छुपा हुआ रहेगा कपड़े हमारे, इतना इजीली नज़र नहीं आएंगे, तो इस प्रकार इस दीवार पे हम इसको लगाएंगे। अब हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके हाइट है 6 फीट की, तो 6 या 6.5 फीट पे लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा, और यहाँ हम निशान ले लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, पेंसिल से आप निशान लगा लीजिए। और देखना है सीधा रहना चाहिए बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार ये जो दूसरा है इसको भी आपने देखना है बिल्कुल सीधी लाइन में, और इसी के पास में जहाँ भी आपको थोड़ा जगह छोड़ना है जगह छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पास में लगा सकते हैं इसको। तो हाँ, तो सबसे पहले इसमें पीछे खींचेंगे थोड़ा और यहाँ ये बिट लगा देंगे, ठीक है, ये इसी के साथ आती है हैमर के। और अब हमें क्या करना होगा, इसका जो मुंह होता है ना, ये जो इसमें कुछ कट बने हुए हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाले, ये इसी प्रकार से आपको लगाना है, तभी ये आगे पीछे नहीं जाएगा। अगर आप इसे इस प्रकार से लगाएंगे तो ये पीछे आगे चला जाएगा। तो इस जगह पर हम देख ले बराबर, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम हॉल करेंगे जहां पे हमने निशान लगाए हैं। और अगर आपको लेवल का आइडिया नहीं हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ये जो लेवल मीटर है इसका यूज कर सकते हैं। देखिए निशान लिया, लेकिन थोड़ा सा ये हमारे जो मोबाइल में लेवल मीटर है, ये देखिए जहां बेल बजेगी वहां ये वाला, इस प्रकार से आप इसका लेवल ले सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है।
तो हम क्या करेंगे, इस मोबाइल को का यूज करते हुए लेवल निकालेंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो हमारे जो क्लॉथ हैंगर है। इसके अलावा एक और तरीका है, आप थोड़ा दूर से इसे देखिए, क्योंकि पास से हमें आइडिया नहीं आता, तो थोड़ा इसको दूर से देखिए। कई बार मोबाइल का जो लेवल मीटर है वो भी सही काम नहीं करता, तो इस प्रकार से भी आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि ये सीधी रहे। तो आप बिल्कुल ये सीधी हैं, तो आप देखिए हम यहाँ पर होल करेंगे। अब हमें होल पर होल निकालने के लिए हैमर की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा हैमर, यहाँ अभी देखेंगे आप, ये ड्रिल बिट है जो मूव नहीं कर रही है, तो हम इसको दबा करके यहाँ हैमर पे करेंगे। तो यहाँ ये मूव भी कर रहा है और साथ ही ये हैमरिंग का काम भी कर रहा है, तो हमारे होल हैं वो जल्दी निकल जाएंगे। तो इस जगह पे हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसका भी वीडियो अलग से मैं आपको बताऊंगा, पूरा ओपन करेंगे इसको भी। तो अब होल करते हैं, देखिए तो हैमर से क्या होता है, बड़ी जल्दी होल हो जाते हैं। अब इनमें हम ये चार गिट्टी लगा देते हैं और इनको, अभी हथौड़ी नहीं है तो प्लास से ही इनको ठोकते हैं। इसी तरह इनको पूरी अंदर चली जानी चाहिए, ये चारों गिट्टियां अंदर तक जा चुकी है। ड्रिल थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा मुझे, तो देखिए उसके बाद हम इसके जो स्क्रू है उनको कस दिया है। बस एक ही ध्यान रखनी है, होल आपके बिल्कुल सही जगह पे हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आउट हो जाता है होल तो फिर समस्या हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, होल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जहां निशान लिए हैं वहीं पर होल निकलना चाहिए। तो ये देखिए स्क्रू कस दिए हैं और बिल्कुल सीधी और सही ढंग से हमारे हैंगर लग चुके हैं। तो यहाँ जो हैंगर है, हमेशा ध्यान रखें यहाँ बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, कपड़े फट जाते हैं। और दूसरा बिल्कुल गोलाई, जैसे कि बॉल होती है बैरिंग का जो बॉल होता है, उस पर गोलाई वाले भी आते हैं, लेकिन उन पे क्या है कपड़े गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो हैंगर होता है इसमें यहाँ पे मोटाई लिए हुए, ये देखिए आप, तो कपड़े गिरते भी नहीं है और आराम से डबल कपड़े हमारे इस पे लग जाते हैं। अब एक हैंगर हम इस दरवाजे पे लगाएंगे जो बाथरूम का अंदर का दरवाजा है। तो यहाँ आप देखेंगे ये इस पे तो ये प्लाई बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ एक लाइन है, इसी के ऊपर हम निशान लेंगे। तो दोनों साइड से बराबर दूरी छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो यहां हम ये देखते हैं बिल्कुल इसके सामने एक निशान और एक यहां दूसरी तरफ निशान ले लिया है। अगर आपको ये डबल हैंगर लगाने हैं, ज्यादा कपड़े टंगाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप दो हैंगर एक साइड में और एक दूसरा साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अभी एक ही हैंगर लगा रहा हूँ। तो ये जो निशान है इसके सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें ड्रिल से होल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ड्रिल अभी उपलब्ध नहीं है, तो देखिए कैसे निकालता हूँ आपको बताता हूँ। तो हमें गेट में कसने के लिए पहली बात तो हमें ये जो इस प्रकार की गिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा हमें बड़े स्क्रू की भी जरूरत नहीं है, आप छोटा या इनसे भी छोटा स्क्रू है उसका यूज कर सकते हैं। और होल निकालने के लिए ये देखिए जो स्क्रू ड्राइवर है ये इसमें ये आगे से देखिए शार्प है, और इसके द्वारा हम दबाव देते हुए
हॉल निकाल सकते हैं आसानी से, और वे फिर ये हमारे स्क्रू कस देंगे। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है इससे हम थोड़ा दबाव देते हुए तो आसानी से देखिए होल बन चुका है, और अब हम इसमें डायरेक्टली स्क्रू कर सकते हैं। तो पहले हमने ये बारीक वाले से होल किया, और उसके बाद थोड़ा बड़ा होल करने के लिए बड़ा स्क्रू ड्राइवर यूज किया। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर पे दबाव देते हुए ये जो दोनों के दोनों स्क्रू है इनको आप कस देंगे, और स्क्रू ड्राइवर पे दबाव रखना है थोड़ा सा, जब पूरा दबाव देते हुए कसते रहेंगे पूरा। तो ये देखिए ये भी हैंगर है, अच्छी तरह से हमने इसको कस दिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।